जो गैस वो तो कैसे खा रहे थे। और अर्शद आप बताओ, ये तो ओवर एक्साइटेड, खुश हो कि नहीं? हैं? खुश हो? अच्छा कितना खुश? ज्यादा खुश। क्या क्या गिफ्ट मिलेगा फिर? हैं? पहले केक पता नहीं क्यों होगा। ओह गाइस, वैसे तो केक मेरा होना चाहिए पर है अर्शद का। वो तो खास लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे ब्लू एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमारी थीम है ब्लू एंड व्हाइट। तो गाइस जब तक अभी हम ये सेटिंग करते तब तक आप डेकोरेशंस की क्लिप देखो और कमेंट पे जल्दी से लिख दो कि हमारी डेकोरेशन कैसी है और ये हमने सभी खुद की मेहनत से करी है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। व्लॉग एंड तक देखना। तो आप क्या हो रहा है? सारे गिफ्ट ले ले तो इसका मेन है। इतने गिफ्ट इतने गिफ्ट अब मेरा गिफ्ट तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या लेके आई है गिफ्ट में? थैला ले आई है। जा थैंक यू। है क्या है? खोल के दिखा पहले। तो
क्या ये गिफ्ट इसका? एक खोल के दिखाओ जरा एक बार। पटाके मार दे ठीक है। एक और पोपट ये जैसा पोपट बना दिया। ये क्या? हर्षद ने पोपट बनाया। ये देखो ये क्या लिखा है? ये देखो। हां ओके ये ले चले ये कलर अपन नेक्स्ट पेज खोलने के कुछ बड़ा वाला खोलना है। खोल मेरे शूज है। न्यू शूज है। फाड़ देना देखना अभी इसके ना ज्योमेट्री है। ये क्या? कमला हो गया हूँ बहुत कैसा लगा गिफ्ट? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो अब जा रहे हैं केक का कत्ल। कत्ल वाला केक अपने मुंह से पेट में जाएगा जब उसके बाद भूख लगेगी मजा आएगा। तो गाइस अब हम केक खाने के बाद ही मिलते हैं ठीक है। तो मुंबई क्या बन रहा है इतना बड़ा डो लेके आए हो आप आटे का? क्या बना रहे हो? पिज्जा। पिज्जा बना रहे हो? पिज्जा की तैयारी की जा रही है। ये देखो गाइस इन तैयारी तो पहले हुई हुई है। ये तो बस आपने बनाना है। अब तो खाना है पेट में डालना है ठीक है। एंड होम मेड पिज्जे का नजारा वखरा ही होता है। जो बाहर पिज्जे का नजारा बाहर वाला ना थोड़े सख्त हो जाते हैं कि होम मेड वाला होता है वो नरम के नरम ही रहते हैं पिज्जे। हमने खा के देखा हो खुद ट्राई करके भी देखा हुआ है बट ये रेसिपी मम्मा तो बताएंगे नहीं ये तो मुझे पता है ठीक है। ये कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं ठीक है। बट इसमें ये कौन सा आटे आटे वाला पिज्जा ना आटे वाला पिज्जा ये देखो ये हो गया अपने क्या कहते हैं इसको मोजरेला चीज। ये हो गई लाल चटनी जो मिर्ची मिर्च पिज्जा सॉस जो अपनी मिर्च वाली है ये सॉस होगी मैं सिंपल एंड ये वेजिटेबल्स ठीक है। ये पनीर हो गया एंड वो डो हो गया एंड वो जो मसाले मसूले जो इसके साथ पिज्जे के ऊपर डालने के लिए होते हैं वो सब कुछ है। तो गाइस जब ये बनेगा तब आपको दिखाता हूँ बनते बनते भी दिखाऊंगा कि कैसे ये बनता है पिज्जा। तो गाइस फाइनली थोड़ी देर के बाद हम पिज्जा आ चुके हैं ठीक है। एंड आपको आप मेरे को आया था ना मैं दिखाऊंगा कि हाँ कि पिज्जा जब बनने शुरू हो जाएगा एंड जब बन चुका होगा वो दोनों चीज़ें आपको दिखाएंगे ठीक है। तो आप देखो ये पिज्जा बन चुका है ठीक है। ये देखो कैसे फीलिंग ऊपर तक है मोजरेला चीज़ है सारी वेजिटेबल्स मिक्स है। देखो होममेड पिज्ज़ा वो भी आटे का पिज्जा तो गैस यानी कि इसमें कहते हैं पच भी जाएगा ठीक है। बट ये देखो ये ऐसे बनता है दो सर्कल में डालने के बाद ऊपर से पिज्ज़ा सॉस डालने के बाद फिर वेजिटेबल्स डालते हैं ठीक है। इतना तो पता ही है चलो आपको मेरे मुँह में पानी आई यार अभी तो उनको मिल रहा है खाने के दो बट ये जब तक ये यहाँ पे करा गया था तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि वो दोनों खा रहे हैं दोनों। ये देखो हाँ ओ देखो गैस वो देखो कैसे खा रहे देखो ओ देखो ओ ऊंचा बाटा निकल गया ओ देखो हाँ जी बर्थडे बॉय कैसा लग रहा है पिज्जा? अच्छा ये देखो गैस का नॉर्मल पिज्जा बनाया ठीक है ना ज़्यादा मिर्च मुर्च भी नहीं है। मेरे मुंह में पानी आया है मुझे भी खाने का दिल कर रहा है एंड यहाँ पे फीलिंग भर रही है वो तो कैसे ऐसे भरती है फीलिंग ठीक है। ब्लैक पेपर मिक्स है पिज़्ज़ा मिक्स इंग्रेडिएंट्स है डालने के बाद फिर मोज़रेला चीज़ डाल देते हैं ऊपर से एंड देन इसको हम बांध करके रख देते हैं
ठीक है। उसके बाद फिर जैसे बेक होके बन जाएगा वो आपको एंड में जाकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस फाइनली बन चुका है हमारा पिज्जा बेक होने के बाद, यानी कि जो भी स्टीम में होने के बाद, ठीक है। देखो कैसा लग रहा है गाइस, फिलिंग देखो क्या है यार। देखो ये गया ऐसे प्लेट पे, एंड इसको हम कट करेंगे 4 स्लाइसेस में। ओहो चटनी है, डलती है पिज्जा सॉस देने की। एंड अब गाइस यानी कि छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया था, हमें ना कुछ करना है ज्यादा ना कुछ करना है, मुझे भूख लग रही है एंड मेरे मुंह में पानी आ रहा है इनको देख देख के, जैसे ये खा रहे हैं देखो कैसे ठूस ठूस के खाई जा रहे हैं। आप क्या बोलना चाहते हो अपने गाइस को, क्या बोलना चाहते हो? लाइक और सब्सक्राइब। अच्छा सब्सक्राइब एंड और क्या बोलना चाहते हो? बोलना चाहते हैं उन्होंने आपको हैप्पी बर्थडे विश किया, बोलो थैंक यू। थैंक यू। हाँ तो गाइस बस हर्षा को आप हैप्पी बर्थडे विश करते रहो कमेंट्स में, लिखते रहो ठीक है गाइस। अब आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड thank you.